बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपने फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है टेलर सीरीज की और फंक्शंस आपको गिवन है। अब टेलर सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि टेलर सीरीज क्या होती है, कि आपने फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, ऑल ऑर्डर्स के ले सकते हैं, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, यानी आपने फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेने हैं और एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना है। ए क्या है? ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन फिर आपने सीरीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे हो जाएगा एफ फोर ए एक्स माइनस ए का की एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट फोर टर्म्स मालूम करने के लिए कहा गया है, तो हम स्टार्टिंग की फोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। जो फंक्शन हमें गिवन है वो है एल एन एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले इस पर जो भी फंक्शन आपको गिवन है इसका आपने वैल्यू, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एल एन एक्स सेंटर डेट ए इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन तो आपको एल एन एक्स गिवन है और ए जो है वो 1 गिवन है, तो वैल्यू आपने जो ए की रखनी है, वैल्यू एट ए इज इक्वल्स टू 1, उसमें वैल्यू ए पर यानी ए 1 रखने पर क्या आएगी, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एल एन ए। हम एल एन के साथ एक्स के साथ जो है वो एक्स की जगह जो है वो क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की जगह आप 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एल एन 1 और एल एन 1 होता है 0, तो एफ ऑफ ए आपके पास आ गया है 0। इसी तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स, एल एन एक्स का आपको डेरिवेटिव पता है 1 अपॉन एक्स होता है, इट मीन्स एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 1 ऊपर ले जाएँ, तो यहाँ पर पुट करें एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए की एक्सपोनेंट माइनस 1 और सॉल्व करें तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 की एक्सपोनेंट माइनस 1 जो कि है सिंपल 1 के इक्वल, ठीक। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 1 आ गया, तो अब आप जानते हैं फॉर्मूला के एक्स की एक्सपोनेंट एन और डी एक्स हो, यानी कि आपने एक्स के एक्सपोनेंट एन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो एन नीचे आ जाता है और एक्स के एक्सपोनेंट में से 1 माइनस हो जाता है, जो भी एक्सपोनेंट है उसमें से 1 माइनस। तो अभी देखें एन क्या है, माइनस 1, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 हम शो नहीं कराएंगे और एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 1 है, उसमें से माइनस 1 करें तो ये हो जाएगा एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 2। तो हम यहाँ पुट करेंगे एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू माइनस ए की एक्सपोनेंट माइनस 2। अब ए की जगह आपने पुट करना है 1, तो एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू माइनस 1 के एक्सपोनेंट माइनस 2 जो कि इक्वल आ गया किसके, माइनस 1 के। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे, एक्स की एक्सपोनेंट नीचे आई, माइनस माइनस हो गया प्लस 2, एक्स के एक्सपोनेंट में से 1 माइनस किया तो आ गया माइनस 3, तो एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल्स टू 2 ए की एक्सपोनेंट माइनस 3। यहाँ पर हमने एक्स की जगह ए पुट करना है, अब ए क्या है, ए है 1, तो एफ ट्रिपल डैश 1 इक्वल्स टू 2 ए की जगह 1 पुट किया माइनस 3। एक्सपोनेंट के 1 की कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, 1 की एक्सपोनेंट माइनस 3 या 1 नीचे ले जाए एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर रह जाएगा जस्ट 2। फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें मालूम करनी है फोर्थ टर्म्स, तो 1, 2, 3 तो हमें मालूम हो गई हैं, एक्सपोनेंट नीचे आई तो प्लस माइनस माइनस 2, 3 जा 6, एक्स की एक्सपोनेंट माइनस 4 हो जाएगी। एफ फोर ए इक्वल्स टू माइनस एज इट इज आ गया 6, एज इट इज आ गया, ए की एक्सपोनेंट हो गई माइनस 4। एफ फोर 1 इक्वल्स टू माइनस 6, 1 की एक्सपोनेंट माइनस 4, तो ये हो गया जस्ट एक्सपोनेंट, 1 की एक्सपोनेंट कुछ भी हो नीचे ले जाए पॉजिटिव हो गई, माइनस 6 ऊपर रिमेनिंग रह गया। ये तो आ गई आपके पास फर्स्ट फोर डेरिवेटिव्स ऑफ गिवन द गिवन फंक्शंस। नाउ पुट इट इन टेलर सीरीज,
अब हम इन्हें टेलर सीरीज़ में पुट करेंगे। टेलर सीरीज़ हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए की एक्सपोनेंट टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का क्यू होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एफ फोर ए एक्स माइनस ए की एक्सपोनेंट फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हमें फोर टर्म्स मालूम करनी है। चलें पुट करते हैं टेलर सीरीज़ में। एफ ऑफ एक्स इक्वल है एल एन एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया एल एन एक्स। एफ ऑफ ए की वैल्यू आई है, एफ ऑफ ए आया है ज़ीरो के इक्वल, तो इसकी जगह आ गया सिंपली ज़ीरो प्लस एफ डैश ए, यानी कि आपके पास एफ डैश ए की वैल्यू आई है वन और एक्स माइनस ए। अब एक्स तो ऐसे ही आएगा, ए की वैल्यू आपको वन गिवन है, वो वन आपने पुट करना है। प्लस एफ डबल डैश ए की वैल्यू आई है माइनस वन और एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू है वन, इसका स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए है हमारे पास टू एफ ट्रिपल डैश ए हमारे पास है टू और एक्स माइनस ए है वन और होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एफ फोर ए है हमारे पास माइनस सिक्स और एक्स माइनस ए की जगह आ जाएगा वन एक्सपोनेंट फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, एल एन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ज़ीरो हटा देंगे। ठीक है, वन एक्स माइनस वन, तो पहली टर्म जस्ट हो जाएगी एक्स माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होके यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस वन, वन शो नहीं कराते हम, फिर लिख लेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, यानी टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई बाय, यानी कि पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना करते जाना होता है, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन टू आ गया। फिर प्लस टू यहाँ पर है एक्स, एक्स की एक्सपोनेंट माइनस वन, एक्स माइनस वन की का होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस माइनस सिक्स और एक्स माइनस वन के एक्सपोनेंट फोर और फोर फैक्टोरियल का मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एंड सो ऑन। सॉल्व करें, एल एन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन ऐसे ही आ गया माइनस, अब ये टू एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स माइनस वन का होल क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए टू है, तो ये टू इस टू से कैंसिल, तो थ्री वन ज़ा थ्री आ गया, तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स और थ्री से थ्री कैंसिल, तो फोर वन ज़ा फोर बचा जस्ट, एक्स माइनस वन की होल एक्सपोनेंट फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस कंटिन्यू। ये आ गई आपके पास फोर टर्म्स टेलर सीरीज़ की। आई होप आपको पार्ट वन समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन। पार्ट टू सॉल्व करें। पार्ट टू हमें गिवन है वन अपॉन एक्स सेंटर्ड एट ए इज इक्वल्स टू वन। सॉल्यूशन करना देखें उसी तरह से है बिल्कुल, आपने लेट कर लेना है, आपने लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का मतलब एक्स को ऊपर ले जाएं तो एक्स की एक्सपोनेंट माइनस वन। अब देखें वैल्यू वही है ए की वन। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू एट ए इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पर हम पुट करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए की एक्सपोनेंट माइनस वन और एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन की एक्सपोनेंट माइनस वन। वन को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जस्ट रिमेनिंग रह जाएगा वन,
तो वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स की, आपके पास एफ ऑफ ए की 1। नाउ डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं एन एक्स की एक्सपोनेंट एन डी एक्स हो तो एन नीचे आ जाता है, एक्स की एक्सपोनेंट एन में से 1 माइनस कर देते हैं तो एन है माइनस 1 तो माइनस नीचे आ गया, एक्स की एक्सपोनेंट में से माइनस 1 किया तो ये हो गया माइनस का 2। डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरह, एफ डैश ए इक्वल्स टू माइनस ए की एक्सपोनेंट माइनस 2 और एफ डैश 1 इक्वल्स टू माइनस 1 की एक्सपोनेंट माइनस 2। तो 1 की एक्सपोनेंट माइनस 2 का मतलब है 1 की एक्सपोनेंट माइनस 2 नीचे ले जाए पॉजिटिव हो जाएगी तो यहाँ जस्ट रिमेनिंग रह जाएगा माइनस 1। नाउ एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस नीचे आ गई माइनस माइनस प्लस 2, एक्स की एक्सपोनेंट में से एक माइनस किया तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू 2 ए की एक्सपोनेंट माइनस 3, एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू 2 ए की जगह आ गया 1 और इसकी एक्सपोनेंट माइनस 3, 1 की एक्सपोनेंट माइनस 3 नीचे शिफ्ट कर दें पॉजिटिव हो जाएगी 2 पर रिमेनिंग रह जाएगा 2 वन ज़ा 2। इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंट नीचे आई तो प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6, एक्सपोनेंट में से 1 माइनस किया तो ये हो गया माइनस 4। एफ ट्रिपल ए इक्वल्स टू माइनस 6 ए की एक्सपोनेंट माइनस 4, ए पुट करना होता है अब ए की वैल्यू को पुट करेंगे, एफ ट्रिपल डैश 1 इक्वल्स टू माइनस 6 1 की एक्सपोनेंट माइनस 4, 1 को नीचे शिफ्ट कर देंगे जस्ट 6 वन ज़ा 6 आंसर हो जाएगा। ये आ गई आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स टेलर सीरीज की। नाउ पुट इट इन टेलर सीरीज, नाउ पुट इट इन टेलर्स सीरीज, टेलर सीरीज है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमें एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ ए है हमारे पास 1, एफ डैश ए है माइनस 1 और एक्स माइनस ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस एफ डबल डैश ए है डबल डैश ए है 2, एक्स माइनस ए की जगह आ गया 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू है माइनस 6 और एक्स माइनस ए की जगह आ गया 1 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 1, 2 और ये है 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल ओपन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ बचेगा प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ है 3 टू ज़ा 6 फैक्टोरियल है ना तो 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जो कि होगा 3 टू ज़ा 6 6 वन ज़ा 6 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बच जाएगा प्लस एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। ये आ गया आपके पास पार्ट 2 का आंसर, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। पार्ट 3 कर लेते हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 4 के 4 मैं आपको करवाऊंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट 3 है साइन एक्स सेंटर डेट ए इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन एक्स। अब साइन एक्स को आपने करना है एट ए इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, यानी कि टेलर सीरीज में आपने ए जो है वो रखना है, वैल्यू जो है वो आपको ए की गिवन है पाई बाय 4 ठीक है, आपने इसको पुट करना है ठीक। नाउ एफ ऑफ एक्स है तो आप इसको लेंगे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू साइन
ए और साइन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट करेंगे साइन पाई बाय फोर। ठीक है, पाई बाय फोर का मतलब होता है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हम पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वो डायरेक्ट 45 रख दूँ अगर डिग्री में चेंज करके, तो वो हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब एफ ऑफ एफ डैश एक्स मालूम करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है कॉस एक्स। तो एफ डैश ए आ जाएगा कॉस ए और एफ डैश वन कह रही हूँ पाई बाय फोर पुट करें आप। ठीक है, या 45, तो कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू भी होती है 1/√2। ठीक है, तो ये आ गए दो आपके पास वैल्यूज। फोर मालूम करनी है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मालूम करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। अब इसी तरह से एफ डबल डैश ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगी माइनस साइन ए। इसी तरह से एफ डबल डैश पाई बाय फोर की वैल्यू मालूम करेंगे माइनस साइन पाई बाय फोर। पाई बाय साइन पाई बाय फोर की वैल्यू तो वही रही, बस माइनस के साथ आ जाएगा माइनस 1/√2। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू करेंगे तो माइनस ऐसे ही रही, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ट्रिपल डैश ए इक्वल्स टू माइनस कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश पाई बाय फोर इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय फोर। तो कॉस पाई बाय फोर तो होता है 1/√2, बस माइनस के साथ आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास फोर वैल्यूज, अब पुट करेंगे ना टेलर सीरीज में। नाउ पुट इट इन टेलर्स सीरीज। नाउ टेलर सीरीज है हमारे पास, हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, हमने इतना ही सीरीज़ की ज़रूरत है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था, वो था साइन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की वैल्यू आई है 1/√2 प्लस एफ डैश ए की वैल्यू आई है 1/√2 और एक्स माइनस ए, एक्स एज इट इज़ आ गया, ए की वैल्यू है पाई बाय फोर। एफ डबल डैश ए की वैल्यू आई है -1/√2 एक्स माइनस ए, ए है आपके पास पाई बाय फोर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और इसे डिवाइड करेंगे 1/2 फैक्टोरियल से प्लस 1। एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू है -1/√2 एक्स माइनस ए की वैल्यू है पाई बाय फोर, इसके ऊपर आ जाएगा क्यू प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हम सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 सब में ही कॉमन है, आप चाहें तो कॉमन ले लें इसी स्टेप में या फिर नेक्स्ट स्टेप में। 1/√2 प्लस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय फोर प्लस माइनस माइनस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 फैक्टोरियल सॉल्व किया 2 आ गया प्लस माइनस माइनस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाय फोर का होल क्यू। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 फैक्टोरियल से तो 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 = 6 प्लस एंड सो ऑन। सॉल्व करें, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 प्लस, अच्छा 1/√2 हम कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाय फोर
माइनस वन अपॉन टू, अच्छा टू फट वन अपॉन टू अंडर रूट टू तो बाहर चला गया, ये वाला पहले आ गया, एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सिक्स को हम पहले लिख लेंगे, एक्स माइनस पाई बाई फोर का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया हमारे पास पार्ट थ्री का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये था पार्ट थ्री, पार्ट फोर सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट फोर है कॉस एक्स सेंटर्ड एट ए इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। अब देखिए फंक्शन गिवन है कॉस एक्स और ए जो है वो पाई बाय टू यानी 90 मौजूद है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 90 पे ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ जो है 90 पे ज़ीरो भी होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, लेंदी तो होगा क्वेश्चन, कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए, और जब आप पुट करेंगे एफ ऑफ ए को पाई बाय टू तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू यानी कि कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है ज़ीरो। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई माइनस साइन ए। इसी तरह से जब एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू मालूम की तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय टू, साइन 90 होता है 1 और ये आ जाएगा माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ रही, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, तो एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू माइनस कॉस ए। अब अगेन कॉस ए है तो वही वैल्यू तो वही आएगी हमारे पास, क्योंकि भाई कॉस माइनस साइन है मगर है तो कॉस पाई बाई टू ही ना, तो कॉस 90 होता है ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। देखिए अभी तक सिर्फ एक वैल्यू आई है हमारे पास, तो हमें अब ट्रिपल डैश एक्स मालूम यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल्स टू साइन ए एंड एफ ट्रिपल डैश पाई बाय टू इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू हो गया 1, अब प्लस 1 आ गया। अब है एफ फोर एक्स, अभी देखें दो वैल्यूज आई हमें 4 मालूम करनी है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, एफ फोर ए इक्वल्स टू कॉस ए एंड एफ फोर पाई बाय टू इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट करी हूँ क्योंकि डेरिवेटिव लेना आप आता है आपको, कॉस 90 होता है ज़ीरो। अब एफ फाइव एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एफ फाइव ए इक्वल्स टू माइनस साइन ए, और एफ फाइव पाई बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, साइन 90 होता है 1 और ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ मौजूद है। इसी तरह से अब एफ सिक्स एक्स मालूम करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एफ सिक्स एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू माइनस कॉस ए, और एफ सिक्स पाई बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आ जाएगी माइनस कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 है भाई, कॉस 90 होता है ज़ीरो। फिर एफ सेवन एक्स मालूम करना पड़ेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस साइन एक्स, एफ सेवन ए इक्वल्स टू साइन ए, एफ सेवन पाई बाय टू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी साइन पाई बाय टू और जो कि हो जाएगा 1, ठीक। ये आ गई हमारे पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज, ठीक है। तो अब टेलर सीरीज में पुट करेंगे, हाउ पुट इट इन टेलर्स सीरीज, टेलर सीरीज है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं आपको इतनी बार लिखवाती हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल
प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो होना चाहिए, काफ़ी लेंदी जाएगा इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये जा रहा है F7 तक, ठीक है। तो हम वहाँ तक वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर मैं आपको आगे लिखवाऊँ तो ऐसे आएंगे, देखें कर लेते हैं F ट्रिपल डैश A, तो आपको पता है x माइनस ए का ट्रिपल डैश है F4 माइनस ए के एक्सपोनेंट होल पे 4/4 फैक्टोरियल प्लस F5A एक्स माइनस ए के एक्सपोनेंट 5/5 फैक्टोरियल प्लस F6A एक्स माइनस ए की होल एक्सपोनेंट 6/6 फैक्टोरियल प्लस F7A एक्स माइनस ए की एक्सपोनेंट 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब वैल्यूज़ को पुट करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आया है 0, तो इसकी जगह आ गया 0 प्लस एफ डैश ए है -1 एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू है π/2 प्लस एफ डबल डैश ए की वैल्यू आई है 0, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी इसलिए पूरी नहीं लिखते, बहुत लेंदी हो जाएगा, प्लस एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू आई है 1 एक्स माइनस ए का होल क्यू डिवाइडेड बाय, सॉरी ए की जगह आ जाएगा π/2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा प्लस 0, फिर आ जाएगा यहाँ से F4 हो गया 0, F5 आ गया -1 और x माइनस ए की जगह आ जाएगा π/2 की होल एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 0, फिर प्लस, फिर है 1 और x माइनस ए है π/2 इसकी एक्सपोनेंट 7/7 फैक्टोरियल। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 0 जो थी ना उसको कम्प्लीटली 0 ही लिख दिया, ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखा कि ये लिखनी सॉल्व करें, नहीं सिंप्लीफाई वैसे ही कर लेंगे हम, 0 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का x माइनस π/2 फिर प्लस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे, 3 2 हो जाएगा 6, तो 1/6 बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस π/2 का की है होल एक्सपोनेंट 3, फिर प्लस आ जाएगा, अच्छा जी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा फिर, ठीक है माइनस ये 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल देखिए कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने 5 लिखना है और यहाँ पर लिखना है फैक्टोरियल, वैसे आप सिंपली भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है तो ये आ गया 1/120 एक्स माइनस π/2 की होल एक्सपोनेंट 5 प्लस एक्स ये 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5040, तो 1/5040 एक्स माइनस π/2 की होल एक्सपोनेंट आ गई 7 एंड सो ऑन। ठीक है आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, part 4 थे, ठीक है question number 2 के मैंने आपको तमाम के तमाम करवाए, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।